नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड में पंचायत चुनाव दिसंबर तक। दिसंबर 2021 के अंत तक राज्य में हर हाल में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होगा। बता दें, उक्त बातें ग्रामीण विकास सह संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने चंदन कियारी में नवनिर्मित प्रखंड सह अंचल कार्यालय के उद्घाटन समारोह में कही है। मंत्री ने कहा कि 14वें वित्त आयोग में पिछले समय से कार्यरत सभी कर्मियों को एक महीने के अंदर नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाल कर सम्मानित कर लिया जाएगा। अगले 6 महीने तक पंचायतों में विकास की गति को तेज करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार विमर्श किया जा रहा है। मौसम विभाग ने पूरे राज्य के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। बता दें, बुधवार को रांची, खूंटी, सरायकेला, खरसावा, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम को छोड़कर अन्य जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश भी हो सकती है। वहीं गुरुवार को बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, दुमका, पाकुड़, गोड्डा व साहिबगंज में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। बता दें, शेष जिलों में हल्के से मध्य दर्ज की बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा है कि झारखंड में अगले 4 दिनों तक मानसून सक्रिय रहेगा, इससे कहीं कहीं पानी जमने की समस्या हो सकती है। झारखंड में पंचायती राज संस्थाओं को फिर मिला एक्सटेंशन। झारखंड में पंचायती राज विभाग ने पंचायती राज संस्थाओं को एक बार फिर से एक्सटेंशन दे दिया है। बता दें, जब तक पंचायत चुनाव नहीं हो जाता है तब तक के लिए ये संस्थाएं कार्यकारी व्यवस्था के तहत काम करेंगी। बता दें, त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के लिए कार्यकारी समिति का गठन कर दिया गया है। इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। अधिसूचना में कहा गया है कि कोरोना काल की वजह से राज्य में पंचायत चुनाव कराना संभव नहीं हुआ है, ऐसे में अवधि विस्तार दिया गया है। सीएम हेमंत के जन्मदिन पर पीएम ने दी बधाई, सीएम ने लोगों की सुनी समस्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को उनके 46वें जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं दी है। वहीं झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने भी श्री सोरेन को जन्मदिन की बधाई दी। इस पर सीएम श्री सोरेन ने पीएम मोदी और राज्यपाल श्री बैस का आभार व्यक्त किया। बता दें, मंगलवार को सीएम श्री सोरेन ने अपने जन्मदिन के अवसर पर सीएम आवास में राज्य के लोगों से उनकी समस्याएं भी सुनी। इस दौरान समस्याओं के निदान का आश्वासन लोगों को दिया। वहीं अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। रांची के मोराबादी में बेरोजगार युवाओं का हुआ जुटान। मंगलवार को झारखंड की राजधानी रांची के मोराबादी मैदान में सैकड़ों बेरोजगार युवाओं का जुटान हुआ। बता दें, इस दौरान विभिन्न मांगों के समर्थन और नई नियोजन नीति का विरोध करते हुए राज्य सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। काफ़ी संख्या में युवाओं के जुटान को देखते हुए मोराबादी मैदान में पुलिस छावनी में तब्दील हो गई। बता दें, मंगलवार को रांची के मोराबादी मैदान में बेरोजगार युवाओं के जुटान को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी सतर्क थे। बता दें, प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए काफ़ी पुलिस बल तैनात थे। इस दौरान कई बार अभ्यर्थियों को आगे बढ़ने से पुलिस ने रोका। बता दें, जेटेट उत्तीर्ण शिक्षक बहाली मोर्चा 2016, आदिवासी मूलवासी छात्र संगठन समेत अन्य संगठनों के हजारों युवाओं का जुटान मोराबादी मैदान में हुआ। छठी जेपीएससी अभ्यर्थी फिलहाल करते रहेंगे काम। झारखंड हाई कोर्ट ने छठी जेपीएससी परीक्षा को लेकर सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती देने वाली अपील याचिकाओं पर सुनवाई करने के बाद उस आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही इस मामले में यथास्थिति बहाल रखने का निर्देश दिया है। बता दें, इससे इस परीक्षा में चयनित 326 अभ्यर्थी को काफ़ी राहत मिली है। मामले की अगली सुनवाई 28 सितंबर 2021 को निर्धारित की गई है। रांची के हिंडालको में पाइप फटने से 11 लोग घायल। रांची जिला अंतर्गत हिंडालको कंपनी में मंगलवार की सुबह एक पाइप फटने से कंपनी के भीतर काम कर रहे 11 लोग घायल हो गए हैं। बता दें, आनन फानन में घायलों को रांची के निर्जा क्लिनिक में इलाज के लिए भेज दिया गया है। बाद में इनको बेहतर इलाज के लिए पॉपुलर नर्सिंग होम भेज दिया गया। जानकारी के मुताबिक, हिंडालको कंपनी में पाइप फटने के बाद प्लांट के अंदर का तरल बाहर सड़कों पर आ गया। इस हादसे में घायलों में से 3 लोगों को आँख में चोट आई है। वहीं बताया गया कि घायल कर्मियों में 8 लोग हिंडालको के अस्थायी कर्मचारी भी हैं। दुकान के सामने गाड़ी खड़ी मिली तो संचालक को भरना पड़ेगा जुर्माना। राजधानी में ऐसे कई मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स व प्रतिष्ठान हैं जिनके यहाँ पार्किंग होने के बावजूद वे अपने यहाँ आने वाले कर्मचारियों और ग्राहकों की गाड़ी सड़क पर खड़ी कराते हैं। बता दें, रांची नगर निगम ने ऐसे प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई का प्लान तैयार किया है। इसके तहत दुकान या प्रतिष्ठान संचालक से 15,000 रुपये जुर्माना भरना पड़ सकता है। बता दें, नगर निगम ऐसे प्रतिष्ठानों की सूची तैयार कर रहा है जिनके सामने सड़क पर सुबह से शाम तक गाड़ियां खड़ी की जाती है। झारखंड में ब्लैक फंगस के 20 मामले।
कोरोना महामारी के बाद ब्लैक फंगस दूसरी बड़ी मुसीबत बनकर सामने आया है। बता दें झारखंड में अब तक इस बीमारी से 166 मामले सामने आए हैं, इनमें से 106 संक्रमित की पुष्टि हो चुकी है जबकि 60 संदिग्ध पाए गए हैं। बता दें इनमें से 115 लोगों ने इस जानलेवा वायरस को मात दे दी है। वहीं राज्य में फिलहाल ब्लैक फंगस के एक्टिव केस 20 हैं जिनका इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। झारखंड में कोरोना के कुल एक्टिव केस 202 है, वहीं कुल मौत की संख्या 5130 है। भारत में 36309 नए केस मिले हैं। भारत में कुल एक्टिव केस की संख्या 380895 है।